चिन्ह पर कविता ठाकुर का भव्य स्वागत। माल रोड मनाली में कबड्डी एसोसिएशन व विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बधाई दी। ईरान में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में धमाल मचाने वाली इंडियन सदस्य भारतीय टीम की कविता ठाकुर के मनाली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हिमाचल की बेटी ने गोल्ड झटक कर पूरे देश का नाम रोशन किया है। इस जीत में हिमाचल की दो बेटियों ने अहम भूमिका निभाई। कविता ठाकुर ने 2014 में भी भारत की ओर से कब्जा कर चुकी है। कबड्डी एसोसिएशन कुल्लू के अध्यक्ष बेदराम ठाकुर और प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम ठाकुर, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, जीप सदस्य धनेश्वरी ठाकुर, नब्स पार्षद चमन कपूर, पार्षद मनोज कुमार, प्रेस क्लब चेयरमैन राज अग्रवाल, अध्यक्ष नरेंद्र सूद सहित उपस्थित रहे। पिता पृथ्वी राज सिंह ने कहा कि बेटी को कर्ज लेकर आगे बढ़ाया गया। प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन कुल्लू के अध्यक्ष बेदराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार कविता ठाकुर को उचित सम्मान नहीं दे पाई है। कविता ठाकुर ने जिस हाल ही में बीए की पढ़ाई पूरी की है, उसे भी आगे आने वाली सरकार उचित पद से सम्मानित करे। नमस्कार, मधुबाला ब्यूरो चीफ, हिमाचल प्रदेश। गोल्ड मेडल जीत कर हम इनका बहुत बहुत मनाली में स्वागत करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिला कुल्लू कबड्डी संघ होने के नाते आप सबका मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खासकर मीडिया वालों का। आप छोटे से एक हमारे ये अभिनंदन पर आप यहाँ पर पहुँचे और आपके दिशा निर्देश के अनुसार ये आज का ये आयोजन हो रहा है। इसलिए मैं खासकर मीडिया का, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में जिला परिषद के 4 बार रहे पार्षद, पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्षा और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महामंत्री श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर जी हमारे बीच में हैं और आज की भी मुख्य अतिथि भी हैं और उनके द्वारा इनको हम सम्मानित करेंगे। उनके साथ हमारे बीच में बीडीसी की चेयरमैन मेरी छोटी बहन अनीता ठाकुर जी नगर ब्लॉक से, वो भी हमारे बीच में है। और साथ में हमारे बीच में है मनाली शहर के हमारे अध्यक्ष मनोज ठाकुर जी, जिनका भी हमें बड़ा योगदान मिला। कल से वो जा रहे हमारे साथ में थे और पार्षद भी है और मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में सबसे बड़ी बात है जगसुख पंचायत के प्रधान भाई जीवन नेगी जी भी हमारे बीच में है। इन्होंने छोटी सी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ में आए, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। साथ में कविता के जो पेरेंट्स है, मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में नगर परिषद के पूर्व में भाई चेयरमैन वर्तमान में पार्षद भाई चमन कपूर भी हमारे बीच में, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ा सा कबड्डी वालों को भी परिचय, और साथ में मनाली से अपने नया सवेरा की प्रेसिडेंट श्रीमती कमलेश जी हमारे बीच में, इनकी भी पूरी टीम है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और साथ में विधायक साहब की पत्नी इतने व्यस्त समय में भी हमारे बीच में आई श्रीमती रजनी जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। साथ में महिला मोर्चा की हमारी मंडल की उपाध्यक्षा मनाली गांव से और हमारी वार्ड पंच श्रीमती खिला देवी नसोगी से और ओल्ड मनाली के पूर्व प्रधान भाई हुकम जी और ऑटो यूनियन के प्रधान भाई मोती जी, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है हमारे बीच में इतने बुजुर्ग श्रीमती पुष्पा आंटी जी, मैं भी इनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आपके बीच में थोड़ा सा परिचय कराना चाहता हूँ कबड्डी वालों का और बाकी यंग टीम कविता जी को। ये एक छोटा सा गिफ्ट है, जब अपने कमरे में ले जाएंगे पूरा कमरा जो आप खुशबू से आपका महक जाएगा और वो खुशबू हिंदुस्तान की खुशबू होगी, मनाली की मिट्टी की खुशबू होगी। कबड्डी करना पड़ा होगा, आप निर्धन परिवार से है, आज तो ये स्टार है, लेकिन जो आप इसको जो मिले अच्छा जो मिले आगे भी खेलते जाए और आगे जो इसको जो हमने मेहनत किया हुआ है यहाँ तक पहुँचाया है। कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? कम से कम 10 साल लग गया, ये जैसे मिडिल पास गए उसके बाद ये वहीं गए बाहर खर्चे घर की तरफ से आपने पूरा इसको पूरे सहयोग दिया, कभी रोका नहीं इसको खेल में जाने के लिए? नहीं, कभी रोके नहीं, हमने कर्जा निकाल के दिया हमने इसको। आज आप खुश हैं? अभी तो खुश है ना, जब घर से आगे धन्यवाद। एशियन चैंपियनशिप के बाद अब एशियन गेम्स है 2 सितंबर में, उसी के लिए अब प्रैक्टिस चल रही है। अभी जो एशियन चैंपियनशिप हुआ इसमें कितने कंट्रीज थे और किन किन को आपने हरा कर लास्ट में कोरिया के साथ आप जब गए थे, कोई खास अलग से तैयारियां की कुछ? जी, अभी जो एशियन चैंपियनशिप हुई इसमें लड़कियों की 10 टीमें थी, एशियन जितनी भी एशिया की थी,
और हमारे हर पूल में पांच पांच कंट्री थी, उसमें पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साउथ कोरिया और ईरान था। फाइनल में हमारे साथ कोरिया का मैच रहा। दूसरी कंट्री में अभी स्किल की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बट फिर भी वो हमें अच्छा फाइट दे देते हैं, तो उसके लिए हमने काफ़ी तैयारी की थी और उसके ऊपर खड़े भी थे। अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं है कबड्डी, क्या इसका भी कोई प्रयास कबड्डी संघ ऐसा कर रहा है कि इसको ओलंपिक में शामिल किया जाए? जी हाँ, काफ़ी सालों से ये प्रयास चल रहा है कि ओलंपिक में कबड्डी आ जाए, और मेरे ख्याल से शायद इस बार एग्जीबिशन मैच के लिए रिक्वेस्ट भी किया गया था। आशा करते हैं कि इस बार ओलंपिक में हमारा एग्जीबिशन मैच हो जाए और आगे ओलंपिक में भी हम खेल पाएँ। आप 2014 से एशियन चैंपियनशिप में उसमें देश के लिए खेल रही है, लेकिन अभी तक आपको कोई सर्विस या नौकरी नहीं दी गई, क्या इस संबंध में कोई सरकार से कोई बातचीत हो रही है आपकी और कहां तक पहुंची वो? जी सर, अभी तक मेरी क्वालिफिकेशन जॉब के अकॉर्डिंग नहीं थी, बट इस साल मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो मैं दरख्वास्त करती हूँ सरकार से कि मुझे क्या सभी प्लेयर्स को उनके अचीवमेंट के हिसाब से जॉब दिया जाए। अच्छा कविता जी, ये बताइए कि जो प्रदेश सरकार द्वारा जो एक सुविधा होनी चाहिए कबड्डी प्लेयर बनने के लिए, वो यहाँ पे हिमाचल में ये सुविधा प्राप्त हो रही है आज के समय में? सर, अब तक प्रदेश सरकार ने पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है, प्लेयर्स को पूछा जा रहा, बट हमें अभी भी प्लेयर्स को उससे थोड़ा अच्छा चाहिए इंटरनेशनल लेवल। बिल्कुल सर, जो दूसरे प्रदेशों में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी हिमाचल उतना नहीं दे पा रहा प्लेयर्स को जितना देना चाहिए, जॉब बोलिए चाहे फाइनेंशियली हेल्प बोल दीजिए या उनको अवार्ड दिया जाए, इस तरह का कोई भी प्रोत्साहन प्लेयर्स को नहीं मिल रहा है। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ सरकार से कि आज तक इतना अच्छा किया है, आगे वो इससे ज़्यादा अच्छा करे कि प्लेयर्स और आगे निकल पाए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में जो भी सरकार आएगी, मैं सबसे पहले हम जितने भी कुल्लू जिला में खेल संघ हैं सारे मिलके पहले सबसे पहले कुल्लू में खेल अकेडमी की बात करेंगे, और कुल्लू में एक हॉस्टल भी होना चाहिए खेल का, ताकि जो दूर 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 से खिलाड़ी जो कोचिंग करने कुल्लू जिला आते हैं हेडक्वार्टर पर, वो हॉस्टल में रहें और वहाँ पर सीखे। और कुल्लू में हमारे पास बहुत अच्छे कबड्डी के हर गमों के कोच हैं, लेकिन वह हॉस्टल की सुविधा ने ना ही हमारे पास ऐसी खेल अकेडमी है। हम सरकार से ज़ोरदार तरीके से इस बात को उठाएंगे आने वाले दिनों में, जो भी सरकार आएगी हम कुल्लू में खेल अकेडमी ला के रहेंगे, ये हमारा आपसे बड़े हमेशा को पूरी दुनिया में। अभी हाल ही में ईरान से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, इसके लिए मनाली की जनता तथा कविता ठाकुर भलाई की पात्र है। मैं चाहूँगा कि इस तरह की कई हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं, कन्याल की दो लड़कियाँ हैं, अपने काइस की लड़की है, रायसन की है, बबेली की है, साथ में नगर की संगीता जो पिछले कल ही हमने उसकी टीम हिमाचल से की सिलेक्शन की है, वो आज जी बिलासपुर पहुंची है। इस प्रकार की अनेकों लड़कियों में हुनर है, मैं चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं लड़के लड़कियाँ, देखो एक बेटी अनमोल है, बेटी के तहत उन्होंने एक अच्छा एक संदेश है कि आज की डेट में बेटियाँ बहुत जरूरी है, बेटियों इस बेटी ने बहुत हमारा नाम किया है। साथ में आज जो नौजवान पीढ़ी जो नशे की ओर जा रही है, वो नशे से हट के खेलों की तरफ आएँ, और खेलों में बहुत स्कोप है। अभी कबड्डी में जितने स्कोप है कि आज आप कबड्डी की टीम में खेल जाओ, दूसरे दिन आप नौकरी मिल जाती है, साथ में प्रो कबड्डी ने हिंदुस्तान में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और साथ में उनको रोजगार का भी साधन भी दिया। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कविता ठाकुर को जो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में पुलिस में DSP लगाया जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी, और तभी नए खिलाड़ी उभरेंगे जब इनको नौकरी सही जगह पर इनको अपना स्थान मिलेगा। मैं उनके हाथों द्वारा इनके इनको देना चाहता हूँ, देना तो हमें था लेकिन नहीं, यहाँ पर इतने बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद ही हमारे को सबसे बड़ा सम्मान है, इसलिए मैं चाहूँगा श्रीमती पुष्पा आंटी जी वो सम्मान